हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उपासना ब्यूटी एंड मेकअप चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो में मैं आपको मैबलिन फिट मी फाउंडेशन का रिव्यू देने वाली हूँ और फाउंडेशन को कैसे फेस पे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने मैबलिन फिट मी का ये वाला फाउंडेशन लिया है। यहाँ पर जो इसका नंबर है वो 115 आइवरी शेड है, तो ये मेरे शेड पे यही जाता है, तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। गाइज़, इसकी जो MRP है वो 549 इसमें मेंशन की हुई है, इतने का आता है। इसमें आपको स्मॉल पैकेजिंग का भी मिल जाएगा, जिसके रेट जो रेट है वो रिजनेबल होंगे। तो गाइज़, इसमें इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही हमारी जो फेस पे ब्लेंड बहुत अच्छी तरह हो जाता है। ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। हमारे जो पिगमेंट्स हैं, एक्नी हैं, पिंपल्स है, उसको भी काफ़ी हद तक हाइड करता है। बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, बहुत लाइट वेट है। और गाइस, सबसे अच्छी बात है 18 शेड है, जो हमारी एवरी स्किन, इंडियन स्किन टोन को मैच हो जाएगा, लाइट, मीडियम, डार्क एंड डस्की। तो ये बहुत ही एक बेनिफिट इसका पॉइंट है। प्लस ये हमारी जो पोर मिनिमाइज फाउंडेशन है। और गाइस, इसका जो बहुत ही रिज़ल्ट जो आता है बहुत फ्लॉलेस आता है, बहुत ईजली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही इसकी जो कवरेज है बहुत अच्छी है। तो गाइस, चलो इसको हम यूज़ करते हैं। गाइज़, इसमें मेंशन कर रखा है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, मगर आप ड्राई स्किन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, या फेशियल ऑयल भी आप फाउंडेशन में ऐड कर सकते हैं। और गाइज, एक और प्लस पॉइंट है इसका, जो पम्प दिया हुआ स्टाइल, इससे आप ईजली इसको अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया, अच्छी तरह मॉइस्चराइजर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन से पहले आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, प्लस आपके पोर्स भी हाइड रहे। तो ये कलर बार का यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से मैंने हाथ पे लिया है इसको। तो गाइस, प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब फाउंडेशन हमें अप्लाई करना है। तो फाउंडेशन का क्या है, इस तरह से पंप दे रखा है, तो अपने हाथ पे इसको लेना है ऐसे। एक बारी में इसको ज़्यादा ना निकालें, अगर कम हो तो आप इसको दोबारा फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका ख़राब भी हो सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर फाउंडेशन मैंने लिया है। यहाँ पर मैं फेस सीरम ऐड कर रही हूँ, कि मेरी स्किन ड्राई है, तो इसके मैं कुछ ही ड्रॉप्स इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के हिसाब से 2 ड्रॉप्स डाले। नेचुरल्स का फेस सीरम है, तो ड्राई स्किन अगर आपकी होती है तो आप फेशियल ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ पे फाउंडेशन आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से, ब्रश से और फिंगर से। तो आप फिंगर से पहले मैं डॉट डॉट लगा लूँगी फेस पर। और फाउंडेशन पहले उतना ही लगाएं जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि एक्स्ट्रा निकलाएगा तो ये उसमें वापस नहीं जाएगा। इस तरह से फिंगर से अगर हम लगाते हैं तो इसलिए आसानी से बहुत अच्छी तरह लग जाता है। तो आप देख रहे हैं, मैं नेक पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस और नेक है ना, सेम ही टोन का लगना चाहिए। ऐसा ना हो फेस बहुत ब्राइट लगे और नेक हमारा अवॉइड रहे। इस तरह से मैंने प्रोडक्ट लगा लिया है। अब गाइस, यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेशियल ऑयल अवॉइड करें, ड्राई है तो ही इसमें आप डालें। इसको डैब डैब करके करना है, इसको ऐसे से नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है प्रोडक्ट को, इसको डैब डैब करके ऐसे करना है। ब्यूटी ब्लेंडर से इवनली हर जगह ये ब्लेंड हो जाता है। तो गाइज, ऐसा नहीं है, ब्रश से भी आप कर सकते हैं, फाउंडेशन ब्रश आता है उससे भी अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है। प्लस फिंगर से भी आप
अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। इसको मैंने आइस के ऊपर भी लगाया, थोड़ा आइस के नीचे भी इसको दोबारा लिया, ताकि कई बार हमारे डार्क सर्कल होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप देख रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर रही हूँ, इससे इवनली सारा ब्लेंड हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं नेक पे भी मैंने इवन लगा लिया, सारी जगह एक जैसी स्किन टोन आ रही है। तो अच्छी तरह से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन, नहीं तो अलग सा दिखाई देगा। तो गाइस देखिए मैंने अच्छी तरह इवन सब जगह कर दिया। आईज पे थोड़ा प्रोडक्ट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया, आई शेडो हम अप्लाई करते हैं तो बहुत खिल के आते हैं, प्लस हमारी जो भी डार्क सर्कल है वाइट हो जाते हैं। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा मैंने ईयर पे भी ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर को कर दिया, क्योंकि आप अगर नेक पे कर रहे हैं तो ये एरिया भी अवॉइड ना करें। तो फाउंडेशन के बाद यहाँ सेट करूँगी, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। या मैबलिन का फिट मी मैंने लिया है, इसी से मैं लगाऊँगी, या इसमें पफ है उससे भी लगा सकते हैं, ब्रश से मैं लगा रही हूँ। पहले सबसे अपने आईज के नीचे आप इसको पफ की सहायता से भी लगा सकते हैं, इसमें दिया होता है पफ में। तो गाइस देख सकते हैं कि फाउंडेशन कितनी इजीली अप्लाई हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से करेंगे तो आपका इवनली फाउंडेशन हर जगह दिखेगा। और इसको सेट कर भी आप जरूर कीजिए, कॉम्पैक्ट से कीजिए, लूज पाउडर से कीजिए, तो इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइज ये फाइनल लुक है, पहले आप देख सकते हैं फेस कैसा आ रहा था, अब इसके बाद में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही फ्लॉलेस फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, और हर स्किन टोन को में शेड इसमें मिल जाएंगे। प्लस जो भी अगर स्किन प्रॉब्लम भी कोई है उसमें भी बहुत ही इसकी अच्छी कवरेज है। तो अगर आप फाउंडेशन कोई लिक्विड लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी इसको लें, अदरवाइज़ जो भी फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको इसी तरह से ही यूज़ करना है।